तू मुझे हंसा मत, ऐसे वीडियो में मत लाके। वाओ ये ट्रेल बहुत प्यारी है। मुखवा के बारे में तो प्रसाद हमने ले चुका है, आरती शुरू होने लग गई। हेलो गाइस, तो अभी हम जा रहे हैं मुखबा की तरफ। मानसी बताएगी इंट्रोडक्शन, या मानसी गो फॉर इट। हाँ हम मुखबा जा रहे हैं। हाँ? वहाँ पे गंगोत्री माता की डोली आती है। हाँ? छह महीने जो बंद रहता है। हाँ? उसके बाद इधर आ जाते हैं। तो मुझे हंसा मत, ऐसे वीडियो में मत आके। इसीलिए हम जा रहे हैं, अभी जा रहे हैं 5:30 बजे, क्योंकि हम हर्षिल रुके तो हमने कहा चलते हैं। लोकल से बात करो यार, लोकल से बात करोगे तभी पता चलेगा आपको ये सारी बातें जो हमें पता चल रही है कि यहाँ पे डोली आती है और यहाँ से सिर्फ 3 किलोमीटर है मुखबा। तो ये हम शाम को निकल रहे हैं क्योंकि 6:30 बजे आरती होती है। पर हमने अब इतनी सारी ट्रेलें देखी है, अच्छी अच्छी है ना। ये है मुखबा का एंट्री पॉइंट। हमें 15 मिनट भी नहीं लगे हैं यहाँ पूरे पहुंचने में, बहुत ही पास था। ये हमारा शैलेश फोटोग्राफी ले रहा है, ये लिखा है मुखबा के बारे में। उत्तराखंड टूरिज्म एंड ये है इंग्लिश में। गांव और मंदिर की चोटी दिख रही है हमें थोड़ी सी वहां पे। आरती अभी शुरू होगी। भैया ने हमें 6:30 बोला था, फिर उसके बाद में बोल रहे थे कि 6 बजे भी स्टार्ट होती है तो चले ही जाओ। तो गंगोत्री की किवाड़ अभी क्योंकि बंद है तो इसलिए हम यहीं आ गए माता के दर्शन लेने के लिए। यार ये बहुत अच्छा था कि हमें लोकल से एक्चुअली पता चल गया कि यहाँ पे रहती है माता 6 महीने और ये जगह काफ़ी पास है। देखिए प्यारी जगह है। बताओ भैया, आप बताओ। चलने दो थोड़ा सा वॉल्यूम कम। चलो मैं इधर रखूंगी कैमरा ना, आप नहीं आओगे। थोड़ा सा वॉल्यूम कम। चलो बताओ। ऐसे क्या बताओ, ऐसे बोलो स्टार्टिंग। आप बता दो, हमें तो कुछ नहीं पता क्योंकि सही में मेन जो ये है। हाँ। गंगोत्री जो पहले भगीरथ राजा थे उन्होंने कई सालों तक तप किया। हाँ। तो माँ गंगा जो है स्वर्ग से अवतरित होके जो है जन कल्याण के लिए पहले इस टाइप इनका मुखबा रहा। यहाँ एक मतंग ऋषि थे, उन्होंने माँ से रिक्वेस्ट की, उन्होंने वरदान मांगा। तो गंगा माँ ने कहा कि मैं आपको जो है एक वरदान ये दे सकती हूँ कि मैं 6 महीने गंगोत्री रहूँगा और 6 महीने जो यहाँ स्टे करूँगा। अच्छा अच्छा। तो यहाँ तो 12 महीने पौधे मांगे पूजा, 6 महीने गंगोत्री में। अच्छा अच्छा। जो गंगोत्री के पट जो है वो अक्षय तृतीया को बोलते हैं। फिर कार्तिक पूर्णिमा जो होती है अक्टूबर नवंबर में, कभी अक्टूबर में आती है दीपावली के एक दिन बाद, फिर वहाँ पट बंद होता है। यहाँ प्रॉपर 12 महीने होती है पूजा। अच्छा अच्छा। तो यहीं आती है माता, माँ गंगा की जो डोली है। ठीक है ठीक है। क्या बोल रहे। तो प्रसाद हमने ले चुका है, मानो का प्रसाद।
मीरा, हमारे दो लॉन्डीज। चलो आरती स्टार्ट होने में तो अभी टाइम लगेगा। अंदर आ चुके हैं हम। पंडित जी ने बोला है हम अभी दर्शन कर सकते हैं, आरती तो 7 बजे से शुरू होगी। यह है मंदिर परिसर। हाँ हाँ पकड़ रही यार, पकड़ रही। ये मेरे पीछे आप देख सकते हो पूरे लकड़ी के घर हैं यहाँ पे। पता लकड़ी के घर क्यों बनाते हैं, ताकि ना यहाँ वार्म्थ रहे घर के अंदर, क्योंकि ये एरिया काफ़ी ठंडा है और यहाँ पे भी काफ़ी होम स्टेज होंगे, पता है मुझे पक्का फीलिंग आ रही है। सर वालों ने हमारे लिए चाय बना दी है यार, कितने स्वीट है सब कुछ। चाय पीते हैं। Thank you.
चले। नहीं नहीं मना नहीं कर रही हूँ। ये पालकी में गंगा जी लेके जाते हैं गंगोत्री। हाँ जी लेके आते हैं। जाते हैं शादी के कार्ड रखे वहाँ पे। आरती वगैरह सब कंप्लीट हो चुकी है। सारे दर्शन हमने ले लिए हैं। पंडित जी ने बंद कर दिया किवाड़। अब हम जाते हैं। रात भी हो चुकी है काफ़ी। हर्षिल कर निकलना है वापस। पर हमारे दर्शन हो गए। जय माता दी। और आपके भी हो गए मेरी वीडियो देख के। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड फॉलो और सबको शेयर करना प्लीज़। बाकी हर्षिल जाके बताती हूँ आपको। ना हमें जाते जाते रात हो गई है यहाँ पे, क्योंकि ठंडी जगह में जल्दी रात हो जाती है, है ना। तो रात हो चुकी है और अब हम हर्षिल पे जा रहे हैं अपने रूम पे। काफ़ी ठंडा हो गया है तो चलो अब रास्ते। तो हर्षिल आ चुका है। ज़्यादा दूर नहीं है, जैसे कि मैंने पहले भी मेंशन किया था, 15 मिनट या 20 मिनट या ज़्यादा से ज़्यादा। बट आप लोग जैकेट लेकर आना, चाहे आप जिस भी टाइम आए, डजेंट मैटर। शाम को यहाँ ठंड होगी होगी, क्योंकि यहाँ पे बर्फीले पूरे पहाड़ हैं आजू बाजू, तो वहाँ से ठंडी हवा आती है। तो हम लोग फाइनली हर्षिल पहुँच गए थे मुखबा से, और खाना वाना खा चुका था, थोड़ी गॉसिप करी यहाँ बैठ के, और उसके बाद सोने चले गए थे। सी यू नेक्स्ट व्लॉग। बाय बाय।